भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गणपति महाराज की, गणपति महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, हर हर महादेव। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट माननीय श्री चंद्रशेखर बावन कुबे जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, शिवसेना के उपनेता श्री गुलाबराव पाटिल जी, आपके लोकप्रिय खासदार और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सांगली की इस प्रतिष्ठित सीट पर प्रत्याशी श्री संजय काका पाटिल जी, शेखर इनामदार जी, शशिकांत पाटिल जी, प्रकाश डंग जी, नीता केलकर जी, मकरंद देश पांडे जी, नितिन शिंदे जी, पृथ्वीराज पवार जी, धनंजय सुधीर गोडबोले जी, सुरेश कांडे जी, दीपक शिंदे जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी के हमारे सभी पदाधिकारी गण, सांगली के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, ये महाराष्ट्र की वीर शौर्य भूमि, जिस भूमि ने भारत को अटक से कटक तक का एक सीमा विस्तार देने में महती भूमिका का निर्वहन किया है, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, सांगली की भूमि शौर्य और पराक्रम की भी है, कला संस्कृति की भी है, यहां के अन्नदाता मेहनत कश किसान भी है और युवा ऊर्जा से उत्प्रोत हमारा नौजवान भी है। अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करके आगे बढ़ता है, भारत की परंपरा को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है और इसीलिए जब महाराष्ट्र के अंदर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं सांगली में भी आप सबसे लोकतंत्र के इस महापर्व पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र ने भारत को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जन जन के मन में स्वराज का भाव पैदा करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण हर भारतवासी करता है। गणनायक की आस्था को जगाकर लोकनायक कैसे बनते हैं, जब इस ओर हम ध्यान देते हैं तो हमें बाल गंगाधर तिलक याद आते हैं। सामाजिक न्याय की परिकल्पना कैसे होनी चाहिए, जब हम इस बात का उल्लेख करते हैं तो साहू जी महाराज का स्मरण हम सबको करना पड़ता है। एक राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है, यह भाव पेशवा बाजीराव ने अटक से कटक तक का इसी महाराष्ट्र से हम सबको सिखाया है।
देश की आजादी के उस महाबिगुल को किस नाम से गौरवान्वित करना है। वीर सावरकर ने इसी धरती से 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर को, प्रथम स्वातंत्र समर की संज्ञा देकर के भारतवासियों में आजादी के प्रति गौरव का भाव जगाने का काम किया था। पूरे देश में एक विधान हो और सब समान हो, इसके लिए भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी इसी महाराष्ट्र ने भारत को दिया है। बहनों और भाइयों, इसीलिए जब महाराष्ट्र की धरती पर मैं आया हूं, इन सभी गुणों को एक साथ अपने आप में समाहित करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं आज के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, एक ऐसा भारत जो हम सबके सामने स्पष्ट फर्क महसूस करा देता है, 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले का भारत एक ऐसा भारत था जिस भारत का दुनिया के अंदर सम्मान लगातार गिर रहा था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकी घटनाएं जहां तहां होती थी, नक्सलवाद तेजी के साथ अपना पैर फैला रहा था, देश के अंदर अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान पलायन कर रहा था, देश के अंदर न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, देश के अंदर अविश्वास का माहौल था, देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं अखंड भ्रष्टाचार में डूब करके जिन लोगों को देश को आगे बढ़ाना चाहिए था वे स्वयं अखंड भ्रष्टाचार में डूब करके देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य कर रहे थे। और 2014 के बाद का भारत हम सब देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, अब कोई देश भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता, कोई देश भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता, आतंकवाद समाप्त हुआ है, नक्सलवाद तेजी के साथ समाप्त हुआ है, अब तो भारत के अंदर कहीं जोर से कहीं कोई पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये वही भारत है और यह नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में आपके आशीर्वाद से यह नया भारत आज दुनिया का सिरमौर बन रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज भारत के अंदर अन्नदाता किसान आत्महत्या नहीं करता है, अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है, नौजवान पलायन नहीं करता है, नौजवान के लिए पीएम स्टार्टअप की योजना है, पीएम स्टैंडअप की योजना है, पीएम मुद्रा की योजना है, मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं नौजवानों के लिए कार्य कर रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित नहीं बल्कि अब तो उनके सशक्तिकरण के लिए 3 करोड़ ड्रोन लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अपने अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, ये वही भारत है जिसने 10 वर्ष के अंदर लोगों को दिखाया है कि देश की विपत्ति में कैसे सहयोग किया जाता है। याद करिए, इस देश पर आपने राहुल गांधी को भी देखा होगा, जब भी देश पे संकट आता है, देश में कोरोना का संकट आया, देश में कोई आपदा आई, राहुल गांधी सबसे पहले देश छोड़कर के भागते हैं।
आपने देखा होगा कोविड आया था वो इटली चले गए। देश के अंदर कहीं कोई आपदा आती है, अर्थक्वेक आता है, कहीं कहीं पर फ्लड आती है, वह छोड़ करके फिर इटली भाग जाते हैं। बहनों और भाइयों, जब इटली ही जाना है तो कहे चुनाव में आप यहां समय बर्बाद करते हैं, जाओ ना इटली में ही रहो। भारत के बाहर जाएंगे, भारत की निंदा करेंगे, और भारत के अंदर आएंगे तो भारत को ऐसे बनाने का प्रयास करेंगे जैसे इनकी बपोती हो भारत। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा मोदी जी 10 वर्ष में न किसी से डरे हैं, न हटे हैं, न डिगे हैं, न झुके हैं, मजबूती के साथ सीना तान करके भारत को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, 60 करोड़ लोग, बहनों और भाइयों, देश के अंदर आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की हर वर्ष सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस की कमीशन खोरी पर मोदी जी ने लगाम लगाने का काम किया, क्योंकि हर गरीब का जनधन अकाउंट खुल गया, 50 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुल गया। अब दिल्ली और मुंबई से आने वाला पैसा गरीब के खाते में जाता है, किसान के खाते में जाता है, महिलाओं के खाते में जाता है, उस पर कोई सेंधमारी नहीं कर सकता। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए गए हैं, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का एलपीजी का सिलेंडर पहुंच गया है, 4 करोड़ गरीबों के पीएम आवास बन गए हैं। ये सब कुछ 10 वर्ष में मोदी जी ने किया। क्या किसी का चेहरा देखकर, किसी की जाति देखकर, किसी का मत और मजहब देखकर? नहीं, मोदी जी का एक ही मंत्र था, वह था सबका साथ और सबका विकास। एक तरफ विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोदी जी के मार्गदर्शन में गडकरी जी ने हाईवे का एक लंबा जाल देश के अंदर बना पहला दिया। 1947 से लेकर 2014 तक जितने हाईवे बने थे, 2014 से 2024 के बीच में उसके दुगने हाईवे बन गए हैं देश के अंदर। बहनों और भाइयों, 1947 से पहले से लेकर के 2014 तक जितने एयरपोर्ट थे, केवल 74 एयरपोर्ट थे, आज देश के अंदर 150 एयरपोर्ट हैं। एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, पहले 5 सिटी में मेट्रो चलती थी, आज देश के अंदर 20 सिटी में मेट्रो चल रही है, पहले केवल 7 एम्स थे, आज देश के अंदर 22 एम्स हैं, IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना, ये आज पूरे देश के अंदर हम सबको दिखाई दे रहा है। नए भारत में सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, और इस सब से बढ़कर के और भी है, वह है आपकी आस्था का सम्मान भी है। आपकी आस्था का सम्मान भी है। कांग्रेस ने 65 वर्षों तक शासन किया ना, किया है ना कांग्रेस ने 65 वर्षों तक देश में शासन। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं कर पाए? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर सकती थी क्या? कर सकती थी क्या? मैं तो आपका अभिनंदन करूंगा कि अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में महाराष्ट्र के यहां के बहादुर नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, गुलामी के ढांचे को हटाने में अपना योगदान दिया, और राम मंदिर निर्माण में भी जितना धन लग रहा था महाराष्ट्र ने कहा हम सहयोग करेंगे, महाराष्ट्र बढ़ चढ़ करके सामने आया था। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे जब कोर्ट ने फैसला नहीं किया था? कांग्रेस के लोग कहते थे अगर फैसला हो जाएगा तो
खून की नदियां बहेंगी। जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, मुझसे पूछा गया कि कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, मैंने कहा देखो हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, चिंता मत करो। अयोध्या में राम मंदिर भी बनेगा, और हमने कहा न्यायालय का फैसला आएगा उसका सरसा पालन भी करेंगे। और खून की नदियां बहाने की बात तो दूर, एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, मच्छर भी नहीं मरेगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। और बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अयोध्या में, अब तो आप अयोध्या जाएंगे आपको लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि जैसे भगवान राम के समय की अयोध्या फिर से स्थापित हो गई, पूरा नई अयोध्या बना दी गई। अयोध्या में आपने 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम को देखा होगा, मोदी जी के नेतृत्व में कैसे अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न हुआ। कांग्रेस के लोग तो एक भी प्रधानमंत्री अयोध्या नहीं गए, डर लगता था अयोध्या जाने में कहीं वोट बैंक न खिसक जाए, यानी देश की कीमत पर वोट बैंक, भारत की आस्था की कीमत पर वोट बैंक। और ये लोग लगातार आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आज मैं कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र के एक बात और आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने अपनी घोषणा पत्र में कहा है, बहन और भाइयों, कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो वह अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के हिसाब से खान पान की स्वतंत्रता देंगे। अब मुझे, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी रुचि है मुस्लिम समाज की जो हिंदुओं से अलग है? अरे रोटी वो भी खाते होंगे, चावल वो भी खाते होंगे, ढोकला वो भी खाते होंगे, सब कुछ खाते होंगे, लेकिन उनकी अतिरिक्त, इससे अतिरिक्त रुचि क्या है? हिंदू गौ कसी को स्वीकार नहीं कर सकता, गौ मांस नहीं भक्षण करता, लेकिन वह चिढ़ाने केले जरूर करता होगा, और इसीलिए उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कांग्रेस देश के अंदर गौ हत्या की खुली छूट देना चाहता है, क्या आप स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे इसको? यानी यह तो महापाप का कारण बनेगा अगर हमारा वोट ऐसे लोगों के लिए जाता है जो गौ हत्यारों को प्रश्रय देते हैं और गौ मांस को देश के अंदर प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। वह हम सब के लिए इससे बड़ा पाप का कारण दूसरा बन ही नहीं सकता। ये पाप आज कांग्रेस करने जा रही है, और दूसरा इसके द्वारा भरमाने के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, भरमाने के क्या प्रयास? कांग्रेस जितना झूठ बोल सकती इस चुनाव में बोल रही है, क्योंकि उसे मालूम है इस चुनाव के बाद कांग्रेस इतिहास की वस्तु बनने वाली है। उसको मालूम है इसके बाद कांग्रेस को देश की जनता जनार्दन पूरी तरह ठुकरा देगी। और उत्तर प्रदेश में तो हमारी विधानसभा में 403 विधायकों का चुनाव होता है जनता के द्वारा। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने कितनी सीट दी मालूम है? 2। यानी राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं, ना, वहां 2 ही सीट है, यानी अगली बार छुट्टी। अभी आप देख रहे होंगे कांग्रेस के लोग हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं यूपी में चुनाव लड़ने का, सब भागे भागे फिर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, अब वे अंतिम उपाय उन्होंने क्या प्रारंभ किया है? अंतिम उनका उपाय वही है कि हिंदू समाज को फिर से बांटो, जाति के नाम पर बांटेंगे, जातीय जनगणना के नाम पर आपको गुमराह करेंगे। 65 वर्षों तक क्या कर रहे थे पूछा जाना चाहिए। फिर जातीय जनगणना के आधार पर हिंदू समाज को खेमों में बांटेंगे, और फिर खेमों में बांटने के बाद आपस में लड़ाएंगे, आपस में लड़ने के बाद फिर आपके हिस्से में चुपचाप डकैती डाल करके आपका हिस्सा काट करके
आरक्षण का हिस्सा, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण का हिस्सा ये मुसलमानों को बांट देंगे। कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय यह खड्यंत्र किया था। संजय काका पाटिल तब भी हमारे साथ सांसद थे और हम साथ साथ इसका विरोध करते थे कि कांग्रेस को यह खड्यंत्र सफल नहीं होने देना है। इन्होंने तब भी किया था, पहले रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण में इन्होंने कहा था 6% आरक्षण ओबीसी का काट करके मुसलमानों को दे दो। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, कहा था हम अपने हिंदुओं का आरक्षण किसी भी ऐसे लोगों को नहीं देने देंगे जिसका विरोध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देश के संविधान को धार्मिक आधार पर नहीं बांटा जा सकता, धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। सच्चर कमेटी गठित करके कांग्रेस ने यह प्रयास किया था कि मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को दलित में शामिल करके दलितों के अधिकारों पर भी डकैती डाली जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तब भी विरोध किया था, कहा था ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान है और हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का कतई नहीं बर्दाश्त कर सकते, और तब जाकर के अधिकार बचा था। बहनों और भाइयों, अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई तो यह सबसे पहले आपको बांटने का काम करेगी, फिर आपस में लड़ाएगी, फिर आपके अधिकार में डकैती डालेगी, ओबीसी को और अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण पर यह डकैती डालने का काम करेगी, उसको जबरदस्ती मुसलमानों को देने का काम करेगी। यह हम कतई स्वीकार न करें, और इसी की अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की बात की थी, और उस समय उस कालखंड में औरंगजेब के समय में उन्होंने यहां पर हिंदी स्वराज्य की स्थापना की थी। काशी से गागा भट्ट एक महापुरोहित यहां आकर के उनका अभिषेक करते हैं और वो परंपरा महाराष्ट्र की आज भी उसी रूप में गौरव के साथ आगे बढ़ती है। पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है छत्रपति शिवाजी महाराज पर, और इसीलिए हमारे यहां उत्तर प्रदेश में भी मुझसे पहले वहां समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस की पार्टनर है उसका शासन था, उसने आगरा में एक म्यूजियम बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की थी, उसका नाम रखा मुगल म्यूजियम। मैंने कहा क्या इसके लिए क्या मुगलों ने पैसा दिया है क्या, तो कहा नहीं पैसा सरकार का है। तो मैंने कहा सरकार का पैसा लग रहा है तो मुगलों के नाम पर नहीं होगा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। मुगलों की का कोई चिन्ह इसमें नहीं होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव गाथा इसके साथ जुड़नी चाहिए। और बहनों और भाइयों, आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य म्यूजियम बनाने का कार्य आज के दिन पर हमारी सरकार कर रही है। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक ही बात कही थी, सबसे पहले गौरव, देश के अंदर जितने भी गुलामी के प्रतीक हैं इनको समाप्त करना, और दूसरा विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले और यहां की संतों की परंपरा, ये हमारी विरासत है। इस विरासत पर गौरव की अनुभूति हमें करनी है। कांग्रेस, आपने देखा होगा सेम पेत्रोदा का बयान आपने पढ़ा होगा ना, क्या कहता है हम विरासत टैक्स लगाएंगे, यानी अब हमारी विरासत हमारी और टैक्स कांग्रेस के लोग वसूली करेंगे। क्या आप छूट देंगे क्या, कांग्रेस को छूट देंगे क्या, अपनी विरासत पर, बाप दादों की कमाई पर, पूर्वजों की कमाई पर क्या कांग्रेस को लूटने की छूट देंगे? बहनों और भाइयों, यह स्वीकार नहीं होना चाहिए, कतई स्वीकार नहीं होना चाहिए। और सांगली में मैं इसलिए भी आया हूं, सांगली में बत्ती सिराला आप गए होंगे, वहां के हमारे मोहन जी भी यहां आए हैं,
हमारा वहां पर बहुत मेरा बहुत आना जाना रहा है और लोग वहां पे बहुत भीड़ होती है। मैं देखता था नागपंचमी के दिन बहुत भीड़ होती है। दूसरा, हमारे पूर्व गवर्नर राम नाईक जी का बचपन यही सांगली में व्यतीत हुआ था। राम नाईक जी 5 वर्ष तक यूपी के गवर्नर रहे। और बहनों और भाइयों, आज मैं इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि मोदी जी ने आपकी आस्था का सम्मान भी किया है, सुरक्षा भी दे रही है और अब उन्होंने कहा है कि हमें यह तीसरी पारी इसलिए चाहिए जिससे हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सकें। बहनों और भाइयों, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मतलब भारत का हर नागरिक आत्मनिर्भर होगा, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, नौजवान के हाथ को रोजगार होगा, किसान खुशहाल होगा, व्यापारी का व्यापार फलेगा फूलेगा, दुनिया के अंदर फैलेगा। और इसके लिए हमें आस्था का भी सम्मान करना है। कांग्रेस के लोग आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते। आप मुझे बताओ, कितने लोग हैं जो अयोध्या गए हैं? कितने लोग अयोध्या जाना चाहेंगे? अरे पूरा ही सांगली जाना चाहता। संजय काका, एक ट्रेन बुक करवा देना 7 के बाद। और जब आना हो मुझे सूचना कर देना, अयोध्या में हम स्वागत की तैयारी कर देंगे। बहन और भाइयों, आज के दिन पर अयोध्या में 5 लाख लोग एक दिन में भी आ जाएंगे तो भी रामलला का दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। अब तो मैंने कहा ना, एक नई अयोध्या बन गई है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करूंगा, ये सुरक्षा भी, विरासत का सम्मान भी, आस्था का सम्मान भी, ये केवल और केवल मोदी जी की गारंटी ही इसमें आपके लिए उपयोगी हो पाएगी। केवल मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी इसके लिए गारंटी दे सकते हैं, कोई और इस कार्य को नहीं कर सकता है। और इसीलिए हम आए हैं, संजय काका पाटिल और हम, मैं दोनों एक साथ कई बार सांसद रहे, एक साथ रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं। मुझे हमारी पार्टी ने बाद में उत्तर प्रदेश में भेज दिया है, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये सब बड़े बड़े कार्य जो मोदी जी के विजन के कार्य थे उनको जमीनी धरातल पर करना था। एक तरफ राम मंदिर बनाना था और दूसरी तरफ वहां के माफियाओं को राम नाम सत्य की यात्रा पे भी भेजना था। आप देख रहे होंगे ना, यूपी में दंगा तो नहीं होता ना? अब कभी नाम सुना यूपी में दंगे का? बीजेपी के आने के पहले वहां रोज दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था। बहनों और भाइयों, पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बीजेपी इस बात की गारंटी होगी, सुरक्षा भी देगी, सम्मान भी देगी और विकास को और रोजगार को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम केवल बीजेपी कर पाएगी। और इसीलिए मैं आया हूं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने, जिसमें हमारे सहयोगी शिवसेना और एनसीपी, ये दोनों यहां पर दोनों के नेता भी हैं, इन सब ने संजय काका पाटिल को अपना समर्थन देकर के मोदी जी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर के यहां भेजा है। बहनों और भाइयों, हर व्यक्ति कह रहा है कि सांगली से संजय काका पाटिल जीतेंगे, आपका आशीर्वाद है। लेकिन मैं चूंकि आया था तो मैंने कहा भी हम लोग भी चलेंगे, और मैं इसीलिए आज आपके बीच में आया हूं आपसे अपील करने के लिए कि हमें भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाना है। इसलिए ये वहीं का रास्ता निकल रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य का मार्ग यही है जो मोदी जी ने आज विकसित भारत की बात की है, यही राम राज्य भी है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए हैं कि आप सबको मोदी जी का प्रतिनिधि बनना होगा, आप सबको एकनाथ शिंदे जी का प्रतिनिधि बनना होगा, आप सबको देवेंद्र फडणवीस का प्रतिनिधि बनना होगा और आप सबको संजय काका पाटिल बनना होगा। और 7 मई को कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी
श्री संजय काका पाटिल को भारी बहुमत से रिकॉर्ड मतों से विजयी बना के भेजे। सांगली के विकास के लिए, महाराष्ट्र की शेष परियोजनाओं के लिए और मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए संजय काका पाटिल सांगली में आवश्यक हैं। सहमत हैं सभी लोग? सहमत हैं सभी लोग? सहमत हैं तो सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।